लेकिन गुरु ये 315 ग्राम में करोड़पति भी मरता है, गरीब भी मरता है। तेरी मौत स्टाम्प ले आज, तेरे को पंडो घर में मैं ही मारूंगा, तो स्टाम्प पे दस्तखत करा ले अभी से। दिन में 200 आदमी में मारूंगा तेरे को, कोई मार नहीं पाएगा मेरे अलावा तेरे को। अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल स्वादिष्ट बरा और मंगोड़ी शहर का एकमात्र स्थान तो जरूर पधारें, द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर। मध्य प्रदेश के कई संत इन दिनों किसी न किसी कारण से सुर्खियों में हैं। वहीं अब पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर महंत गुरु शरण शर्मा, जिन्हें लोग पंडोकर सरकार के नाम से जानते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की दतिया से एक युवक जान से मारने की धमकी देता हुआ एक वीडियो में नजर आ रहा है। वीडियो में शख्स बोल रहा है कि तेरे को पंडोकर में ही मारूंगा, स्टाम्प पर दस्तखत करा ले अभी, एक कट्टा तेरे लिए रखा है। वहीं धमकी के बाद इसकी शिकायत थाने में की गई है, पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। लेकिन गुरु ये 315 ग्राम में करोड़पति भी मरता है, गरीब भी मरता है। तेरी मौत स्टाम्प ले आज, तेरे को पंडो घर में मैं ही मारूंगा, तो स्टाम्प पे दस्तखत करा ले अभी से। दिन में 200 आदमी में मारूंगा तेरे को, कोई मार नहीं पाएगा मेरे अलावा तेरे को। महाराज समझाओ, जानकारी कहती है कि एक युवक वीडियो में पंडोकर सरकार को गोली मारने की धमकी दे रहा है। यह धमकी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पंडोकर सरकार को दी गई है, जिसके बाद धमकी देने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं धमकी के बाद पंडोकर सरकार का बयान भी सामने आया है, जिसमें वह बोल रहे हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, रिटायरमेंट अधिकारी ग्राम सेवक महेश सेन के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। यह मुझे ज्ञात नहीं क्यों दी गई, इसके पीछे कारण कौन है, क्या है, इसके पीछे कौन लोगों का हाथ है। गीदड़ धमकी इस प्रकार की अनेकों बार मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि मैं सनातन का काम कर रहा हूं। पंडोकर धाम में रामराज की स्थापना के लिए, विश्व शांति, लोक कल्याण, रामराज की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए पंडोकर धाम में कार्य कर रहा है। सनातन धर्म के लिए इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार का सामना यदि करना पड़ रहा है तो करूंगा, चाहे जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये रामराज के लिए, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए अपने धर्म पता का लहराने में पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसी गिद्ध धमकी से हम नहीं डरते, इसके लिए शासन प्रशासन है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई स्वयं अपने स्तर पर जिला प्रशासन कर रहा है। और सामने जानकारी आने पर आप सबको और जानकारी प्राप्त होगी कि इसके पीछे क्या हाथ था, क्या कारण था, क्यों जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं धमकी मिलने की जानकारी सचिन मिश्रा प्रवक्ता पंडोकर धाम ने दी है और उन्होंने मामले में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। आज एक वीडियो प्राप्त हुआ हमको, जिसमें जो ख्याति नाम संत हैं पंडोकर सरकार, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं एक महेश श्रीवास व्यक्ति, जिनके ऊपर हमने मामला पंजीबद्ध कराया है पंडोकर थाने के अंदर, जिसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम उनको गोली से जान से मार देंगे। मेरा निवेदन है समस्त अधिकारियों से कि वो इस पर संज्ञान लें और आगामी 6 तारीख से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना है, जो 20 दिन का कार्यक्रम है। लाखों लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। बता दें कि पंडोकर सरकार भी अपने दिव्य दरबार के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा दरबार में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। उन्हें मानने वालों की संख्या मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी है। फिलहाल शुरुआती जांच में पता चला है कि जो व्यक्ति धमकी दे रहा है उसका नाम महेश सेन है और वह भिंड का रहने वाला है। अब देखना होगा कि मामले में कब तक कार्रवाई की जाएगी और यह युवक पंडोकर सरकार को जान से मारने की धमकी क्यों दे रहा है, यह तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज।
अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम, पता याद रखें, राजघाट रोड तिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश।